हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल। इनका मतलब क्या होता है और ये अपने मॉडल में किस चीज़ के बारे में बताए हैं। द मॉडल हैज़ बीन जनरेटेड बाई विलियम शार्पे इन 1963। ये जो मॉडल है शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल, इनको किसने जनरेट किया था? विलियम शार्पे हैं, उन्होंने जनरेट किया था। और किस ईयर में जनरेट किया था? 1963 में इन्होंने ये अपना मॉडल जनरेट किया था। द सिंगल इंडेक्स मॉडल इज अ सिंप्लीफाइड एनालिसिस ऑफ पोर्टफोलियो सिलेक्शन मॉडल। इसको हम लोग पोर्टफोलियो सिलेक्शन मॉडल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो पोर्टफोलियो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उसमें से अच्छा पोर्टफोलियो चूज करना ही इन्होंने इस मॉडल में बताया है। टू मेजर बोथ रिस्क एंड रिटर्न ऑन द स्टॉक, जितने भी स्टॉक्स अवेलेबल हैं, यानी जितने भी पोर्टफोलियोज हमारे पास अवेलेबल हैं, उसका रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करना ही क्या इन्होंने अपने मॉडल में बताया है। द सिंगल इंडेक्स मॉडल ग्रेटली रिड्यूस द नंबर ऑफ कैलकुलेशन दैट वुड अदरवाइज हैव टू बी मेड फॉर अ लार्ज पोर्टफोलियो ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिक्योरिटीज। जो इन्होंने अपने मॉडल में काम किया है, वो क्या कर दिया है कि जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम कर दिए हैं रिस्क और रिटर्न को मेज़र करने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है, सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, थाउजेंड्स में सिक्योरिटीज़ होती है, और हर एक सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना क्या होगा? वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो इसीलिए इन्होंने एक ऐसा मॉडल जनरेट किया है जिसमें इन्होंने कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कम कर दिए रिस्क और रिटर्न को मेज़र करने के लिए। तो ये बहुत ही हेल्पफुल मॉडल है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है।